बड़ी गजब की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं दोस्त। रियलिस्टिक एक ऐसी चीज जिसे सुनने के बाद आपको बहुत काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है और ब्रह्मचर्य के प्रति आप इतने ईमानदार हो जाओगे, आप इतने अच्छे से ब्रह्मचर्य नियम पालन करोगे कि मैं खुद बता नहीं सकता। मेरी 4 दिन की मोटिवेशनल वीडियो देखकर उतना असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा जितनी इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके ऊपर असर पड़ेगा। अब आप बोलोगे दिनेश भाई जल्दी करो, इस स्टोरी को मेरे साथ रखो। देखो मेरे दोस्त, जिंदगी है, दुनिया है, इंसान है, अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं, अलग अलग लोग आपसे मिलते रहते हैं और अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। लेकिन जो घटना हुई, जो चीजें मेरे सामने आई, मैंने बात किया रियलिस्टिक चीजों पे, मैं खुद शॉक रह गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, उन्होंने खुद बताया कि उनकी उम्र 27 साल है और शादीशुदा भी वो हैं, उनके पास 2 बच्चे भी हैं। शायद ये स्टोरी आपको झकझोर के रख देगी। अगर आप मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हो मेरे दोस्त, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो आपके होते हैं वो सब कुछ क्लियर होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आप लोग हमेशा कहते हो दिनेश भाई मैं मैस्टरबेशन ज़्यादा करूँगा तो क्या मुझे संतान की प्राप्ति होगी, तो मैं यही कहता हूँ बिल्कुल बच्चे की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं होगी अगर आपने मैस्टरबेशन किया। लेकिन मैंने कुछ देर पहले बताया कि 27 साल का व्यक्ति जो एक छोटा सा जॉब भी करता है, शादी भी हो गई और 2 बच्चे हैं और उसने मैस्टरबेशन भी खूब दबा के किया था, तो फिर उसको संतान की प्राप्ति कैसे हो गई? मैंने कहा ना 2 बच्चे हैं, तो सेम चीज़ वही सुन लेना ध्यान से। 2 बच्चे उनके हैं, शादीशुदा जिंदगी भी ठीक ठाक चल रही है उनके कथनानुसार, उन्होंने जो मुझसे बताया उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है। क्या उनको प्रॉब्लम होता है, वो कुछ कर नहीं पाते, उनको मतलब किसी तरीके से दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह, अंग्रेजी हो या आयुर्वेदिक हो, उन्होंने बताया बहुत सारी दवाइयों को ट्राई किए खा पी करके, किसी तरीके से वो अपने पत्नी अपने मतलब उसको सेटिस्फाइज करते हैं, लेकिन उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। और वो कहते दिनेश भाई कब तक ऐसा चलेगा, मैं कब तक दवाइयों का सहारा लूँगा, अगर 40-45 साल तक मैं किसी तरीके से इसको झेल लेता, खा पी के किसी तरीके से डाइट प्लान करके अपने पत्नी को सेटिस्फाई कर लेता तो अच्छा लगता, 45 साल के बाद मेडिसिन लेना पड़ता तो मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन अभी जब से मैं शादी किया हूँ तब से मैं इसी दवाइयों के सहारे हूँ और दवाइयों के सहारे से बच्चे पैदा हुए, दवाइयों के सहारे से मैं चल भी रहा हूँ, नहीं तो मैं मुँह नहीं दिखा पाता। तो आप हमेशा कहते हो ना कि मैस्टरबेशन करने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, यही जो आप सुन रहे हो मेरे दोस्त। क्या आप भी चाहते हो इसी तरीके से आपको दिन और ज़िंदगी देखना पड़े? क्या आप भी चाहते हो कि आपको 27 साल 25 साल की एज से एक लड़की को सेटिस्फाइज करने के लिए सिर्फ दवाइयों का सहारा लेना पड़े? आप बोलोगे नहीं दिनेश भैया नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। देखो तो दवाइयाँ एक अलग चीज़ होती है, आपको बुखार हुआ दवा खा लिए कोई बात नहीं, पेट दर्द किया दवा खा लिए कोई बात नहीं, पाचन शक्ति कमज़ोर है दवा खा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको रोज़ दवाइयाँ खाना पड़े सिर्फ एक बीमारी को लेकर, एक बीमारी को लेकर रोज़ दवाइयाँ खाना पड़े, तो फिर आप हार मान जाओगे, टूट जाओगे, मैं सच में लिख के देता हूँ। चाहे सेटिस्फैक्शन को लेकर हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम को लेकर हो, अगर सिर्फ एक ही बीमारी पर आपको रोज़ मेडिसिन खाना पड़ेगा तो आप टूट जाओगे दोस्तों। ये बंदे टूट गए, अब इनको सीधा क्या कहना है कि दिनेश भैया मैं दवा नहीं खाना चाहता, मैं दवा खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं दवाइयाँ लेते लेते टूट गया हूँ, थक गया हूँ, मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताओ मैं 1 साल तक कर लूँ, मुझे भले ही अपने वाइफ के साथ नहीं रहना, मैं नहीं रहूँगा, मैं अपने जॉब पर ही रहूँगा, वहीं पर 1 साल के लिए अपने वाइफ को मैं किसी तरीके से मना बना लूँगा और 1 साल तक मैं वहीं रहूंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा, कुछ नियम कुछ तरीके बताओ जिससे मैं अपने आप को संवार सकूं। और फाइनली मैं वो सारी चीज़ें उन तक शेयर किया है, कुछ अच्छे डाइट्स, ब्रह्मचर्य के रूल नियम, खाने पीने के कुछ परहेज, जो भी चीज़ें होती हैं मैं अपने अनुसार जो मैं आज तक खुद फॉलो करता हूं और आप लोगों को बताता हूं, वही चीज़ें मैंने उनको बता दिया। अब उनको वही चीज़ें 1 साल तक फॉलो करनी होगी और देख लेना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे साथ बगल में खड़े होकर वो वीडियो जरूर बनाएंगे, चूंकि उन्होंने वादा किया है कि दिनेश भाई जिस दिन मैं बदल कर आया 1 साल के बाद मैं सारे लड़कों को अवेयर करूंगा, सारी पूरी चीज़ें अपनी जुबान से सुनाऊंगा। लेकिन मैंने एक अच्छी जीती जागती दोस्त स्टोरी सुना दी। आपको क्या लगता है स्टोरी को सुनने के बाद आप क्या राय रखना चाहोगे कमेंट में बताना। मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।